हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला यह विशेष फल हिसालू बड़ा ही रसीला और स्वाद में खट्टा मीठा होता है। यह पहाड़ी फल के नाम से देवभूमि उत्तराखंड में खूब प्रसिद्ध है और आज दुनिया भर में लोकप्रिय बन चुका है। यह फल मुख्यतः जेठ के महीने में पकता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आप सल्टिया बीबीसी कोटाबाग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ सुभाष भारद्वाज। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे से आने वाली नई नई जानकारी वाली वीडियोज आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हिसालू में बहुत सारे लाभदायक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भी भरपूर होता है। दोस्तों, हिसालू की जड़ों का रस बहुत ही गुणकारी दिव्य औषधि होती है, जो बुखार और पेट संबंधित परेशानियों के लिए रामबाण दवाई होती है। इसके अलावा हिसालू की छाल का प्रयोग तिब्बती चिकित्सा पद्धति में कामोत्तेजक प्रभाव के लिए किया जाता है। और दोस्तों, यौन रोगों और मूत्र रोगों में भी हिसालू की औषधियों का प्रयोग बहुत ही कारगर साबित होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हमारे दर्शकों के कमेंट हमारे लिए बहुत ही अनमोल होते हैं, इसलिए ज़रूर ज़रूर कमेंट करें और साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ मैं था सुभाष भारद्वाज। दोस्तों, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।